प्यार से बढ़कर शायद दुनिया में कोई खूबसूरत पवित्र एहसास नहीं है। इसीलिए सदियों से लोग प्रेम में रहे हैं। एक के बाद एक कवियों और गद्यकारों ने अमर प्रेम कहानियां लिखी है। अब मुश्किल ये है कि इतने आर्टिकल पढ़ने, फिल्में देखने के बाद भी कई लोगों को समझ नहीं आता कि कोई उनसे प्यार करता है या नहीं। अब हम ऐसे रिश्ते सुझाएंगे जिनसे प्यार के कई राज खुलेंगे। अब लोग प्यार का स्पर्श पाने के लिए बहुत दूर तक जा सकते हैं। आप स्वयं शाहजहां को नहीं देखते, उन्होंने अपने मन के लोगों के लिए ताजमहल बनवाया है। लेकिन शाहजहां तो राजा था, इस प्रकार वह सातवां आश्चर्य रचने में सफल हुआ। लेकिन हम जैसे गरीबों के पास ताकत हो भी तो जेब में ताकत नहीं होती, लेकिन प्यार रुकता नहीं। इस बीच ध्यान रखें कि प्यार का अभी भी कोई विकल्प नहीं है। तो कहते हैं प्यार खरा सोना है। जो व्यक्ति शुद्ध प्रेम के ज्वार में बह गया है, उसके जीवन के आनंद की कोई सीमा नहीं है। तो खुद को वैसा बनाने की कोशिश करें। यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कुछ लोगों को कई बातें समझ में ही नहीं आतीं। अगर तुम समझोगे ही नहीं तो प्यार कैसे पाओगे। लेकिन इस बारे में ज्यादा सोचने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम अब उसके बारे में टिप्स देंगे। आपसे बार बार बात करने का मन करता है, उस व्यक्ति पर एक नजर डालें जो आपसे बार बार बात करना चाहता है, क्योंकि हो सकता है वह सचमुच कुछ कहना चाहता हो। आपको उन संकेतों को पहचानना होगा, तभी आपको सच्चा प्यार मिलेगा। अब इस मामले को समझने की कोशिश करें। आपकी देखभाल यह समझने में सावधानी बरतनी चाहिए कि वह किसी तरह आपकी ओर आकर्षित है। दरअसल लोगों को हर किसी की परवाह नहीं होती, यह किसी का काम नहीं है। इसके बजाय उस व्यक्ति के बारे में सोचें जो आपकी परवाह करता है। हो सकता है कि वह इस हरकत के जरिए आपके करीब आने की कोशिश कर रहा हो और आप इसे देखते भी नहीं हैं। अपने बारे में बात कर रहे हैं, कोई भी अपने बारे में बेवजह बात नहीं करना चाहता। अब अगर किसी शख्स ने ऐसा किया है तो समझ लीजिए कि वह कुछ ऐसी चीज मांग रहा होगा जो प्यार के बराबर हो। तो इसे आजमाए। अगर आपको यह आदमी पसंद है तो देर न करें। दूसरी ओर यदि आपको यह पसंद नहीं है तो परवाह करने का कोई मतलब नहीं है। आपके साथ समय बिताने की कोशिश करें। आजकल लोगों के पास समय नहीं है। ऐसे में अगर कोई आपके लिए अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाल ले, लेकिन आपको सोचना होगा, क्योंकि वह आपको कोई गुप्त संदेश देना चाहता है और आप इसे समझना नहीं चाहते। एक दिन बाहर जाने को कह रहा हूँ, दरअसल यह बातचीत भी हो सकती है। लेकिन अगर वह शख्स आपको एक दिन अकेले बाहर जाने के लिए कहे तो आप समझ जाएंगे कि मन के किसी कोने में कहीं न कहीं प्यार है, इसीलिए वह ऐसा कह रहे हैं। इस स्थिति में खुद को संभालें, फिर तय करें कि क्या कहना है।